ऑनलाइन से डिप्लोमेट में आपका स्वागत है दोस्तों। बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2022 के बारे में। इसका नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है। इसके अंदर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जो आपकी सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, ठीक है, इनके अंदर। तो इसका कब आपके फॉर्म स्टार्ट, आपके 10/8 से लेकर 30/8 तक, 30 अगस्त आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में, उम्र के बारे में, और कब तक का क्या कुछ चलेगा, वो सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। फिजिकल क्या कुछ होगा, तो 30/8 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर कोई गलती हो जाती है आपसे, मान लिया, तो वो एक नो को आप ठीक कर सकते हो, ठीक है, एक नो को। और आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों, वो होगा नवंबर में, ठीक है, अभी नवंबर में, इस नवंबर में, ठीक है। तो ये है CAPF में, मेल और फीमेल दोनों के लिए है ये वैकेंसी, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर एक्स सर्विसमैन इन दिल्ली पुलिस मेल के लिए 228 वैकेंसी हैं, सब इंस्पेक्टर इन फीमेल के लिए 112 हैं। सब इंस्पेक्टर इन CAPF में जो हैं वैकेंसी हैं जो 3960 हैं, ठीक है, 3960। यहाँ पर मेल की जो वैकेंसी हैं वो हैं दोस्तों 3791, और फीमेल की जो वैकेंसी हैं दोस्तों वो हैं 169, यानी कि टोटल जो वैकेंसी आई है वो 3960 है, ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसी हैं इस बार। तो आगे देख लेते हैं इसके बारे में। आपकी एज दोस्तों आपकी होनी चाहिए 20 से लेकर 25 तक, 20 से लेकर 25 की उम्र होनी चाहिए आपकी। और ये दे रखा है यहाँ पर कि 1/1/2022 के अकॉर्डिंग मान्य होगी ये, ठीक है। तो यानी कि एक आपका जो जन्म है जनरल कैटेगरी से 2/1/1997 से 1/1/2002 तक, तो दोस्तों ये 20 से 25 साल एससी एसटी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, यानी कि वो 30 साल तक वाले फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वाले जो है वो 28 साल वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, पूरा नोटिफिकेशन हम पढ़ लेंगे। जो काम काम की चीज़ें हैं आपकी, जो आपके सर्टिफिकेट हैं, जैसे कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं, जो आपके एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी सर्टिफिकेट हैं दोस्तों, वो आपके जो हैं यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन में दे भी रखे हैं, और वो आपके 30/8 तक के। तो देखो यहाँ पर 6.5 नंबर दे रखा, क्रिशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूसी स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट, फीस कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन वी आर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी क्लोजिंग डेट फॉर, यानी कि 30/8 तक के वो होने चाहिए भाई, मेन बात ये है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी कब होनी चाहिए, 30/8 तक की, ठीक है। 30/8 को आपकी जो डिग्री है वो आपकी, या जो आपका रिजल्ट है वो आपका आ जाना चाहिए। यहाँ पर प्रोविजनल वर्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा, लिखा हुआ है ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ओरिजिनल सच एज मार्क शीट्स, प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, यानी कि आपके पास रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए 30/8 तक, ठीक है। 30/8 तक आपका रिजल्ट जो हर हालत में आ जाना चाहिए, उसके बाद अगर एक दिन भी लेट है तो आप अनएलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों, इनएलिजिबल, ठीक है। और जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, मेल कैंडिडेट, मोटरसाइकिल या कार का जो है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये सिर्फ दिल्ली पुलिस का, इसके अंदर कई सारी पोस्टें हैं, ये जो 3960 वैकेंसी है मेल की, ये कई सारी इसके अंदर पोस्टें हैं, तो सिर्फ आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे फिर आप, ठीक है, बाकी और जो है आप अप्लाई कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। 30/8 तक 11 बजे तक का इसके अंदर टाइम होगा, 100 रुपये इसके अंदर फीस होगी दोस्तों। और जो भी लड़कियां हैं या एससी एसटी हैं, ईएसएम हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, वो उनको एक कोई पैसा नहीं देना भाई, ठीक है, ये चीज़ है। और आगे है, एक नो को आप ठीक कर सकते हैं अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो। ये आपका एग्ज़ाम के बारे में आ गया, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, कि आपका पेपर जो है, पेपर में क्या, दो पेपर होंगे आपके, ठीक है। पहला पेपर होगा दोस्तों, ये पहला पेपर है, ये होगा आपका 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के,
2 घंटे का आपके पास टाइम है। ठीक है, जीके 50 क्वेश्चन, 50 नंबर, सॉरी ये रीजनिंग है, ये जीके आ गई और ये मैथ आ गया आपका, और ये इंग्लिश आ गई। ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मैथ, 4 आएंगे आपके पास और 50-50 नंबर के हैं। और सेकंड पेपर होगा आपका सिर्फ इंग्लिश का, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के, 2 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, तो 0.25 दोस्तों आपकी नेगेटिव इसके अंदर मार्किंग होती है। ये आपका सिलेबस है और ये दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दोस्तों ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से जो चैनल है इसके ऊपर डाल दिया है। और दूसरा अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है भाई दिल्ली पुलिस के नाम से, वो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम आगे पढ़ लेते हैं। तो ये आपका सिलेबस है दोस्तों। ठीक है, सिलेबस है ये आपका फिजिकल। फिजिकल में क्या क्या होगा दोस्तों ये देख लो आप। मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है, चेस्ट वेस्ट भी ये कोई दिक्कत नहीं तो कर लोगे आप। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 157 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चाहिएगी। और ST जो अगर कैंडिडेट है उसको चाहिए 154। और आपकी रेस वगैरह भी होगी दोस्तों, ये 1600 मीटर की रेस होगी 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप होगा आपका, ठीक है, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप होगा, इसमें भी ऐसा ही सेम है दोस्तों, 800 मीटर की रेस है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप है ये सब सारी चीज़ें। आई साइट, आँखों के बारे में, द मिनिमम नियर विजन शुड बी N6 बेटर आई एंड N9 वर्स आई, द मिनिमम डिस्टेंस 6x6 एंड 6x9 भी चल जाएगा भाई। ठीक है, 6x9 तक चल जाएगा। ये दोस्तों EWS का सर्टिफिकेट है, ठीक है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है ये, इस तरह का ये आपने बनवाना है। तो आई थिंक दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, फिर भी कोई चीज़ ना समझ में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। थैंक यू।